सो प्रियंका चहल चौधरी बिग बॉस OTT 3 के फिनाले से पहले घर पे एंट्री हुई और एंट्री होते ही बहुत सारे टास्क करवाई, जैसे कि मैंने प्रीवियस टास्क के बारे में ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद टास्क के साथ साथ प्रियंका चहल चौधरी जो है करवाई ऑडिशन। जी हाँ, यहाँ पर बहुत ही मजेदार ऑडिशन होने वाला है एंड फॉर अ चेंज घर पे झगड़ा नहीं हुआ, लोग अच्छे से अपना काम किया है। तो चलिए बात करते हैं ऑडिशन पे क्या क्या हुआ है और कैसे लोग काम किया है। लेकिन इससे पहले यस भाई सब्सक्राइब कर दो, फ्री है, हर वीडियो पे बोलती हूँ फिर भी नहीं करते, इतना कंजूस की हो, पैसा भी नहीं ले रही हूँ, तो प्लीज कर दो। एंड अगर फेसबुक से देख रहे हो तो डू लाइक फॉलो। तो चलिए बात करते हैं प्रियंका चहल चौधरी का ऑडिशन के बारे में, ऑडिशन कैसा रहा। सो बेसिकली प्रियंका चहल चौधरी अपने वेब सीरीज का प्रमोशन के लिए आया था, साथ ही साथ ये करने के लिए भी आया था, मतलब टास्क बस करवाने के लिए। लेकिन यहाँ पर बहुत लोग बोल रहे थे कि ये एविक्शन करवा देंगे, एक बार मुनावर के लिए बोला कि एविक्शन करके लेकर जाएगा, फिर प्रियंका के लिए बोला एविक्शन करके लेकर जाएगा, तो प्रियंका ने भी किसी को लेकर नहीं गया भाई, उतना उसके पास काम नहीं, उसके पास अंकित है, ठीक है, वो किसको लेकर नहीं गया। तो प्रियंका चहल चौधरी यहाँ पर ऑडिशन करवाई है, तो किसमें क्या किया है चलिए बात करते हैं। तो पहले जो ऑडिशन का ये था वो था घर का विलन कौन है, तो घर का एनोनिमसली सिलेक्ट करना होगा विलन कौन है और विलन के अकॉर्डिंग वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। सो घर के विलन पे नाम आया अरमान एंड रणवीर का। जी हाँ, अरमान और रणवीर का नाम आया, लेकिन यहाँ पर पार्टिसिपेट किया अरमान, और बहुत ही अच्छी बात है कि अरमान को फर्स्ट टाइम मुझे देखने में मजा आया, बहुत हसमुख था ये चीज, बहुत अच्छे से प्यार से किया, एक्टिंग किया, जो भी किया, जो वो एक्टर नहीं है बट स्टिल वो अच्छा काम किया, तो अच्छा चीज को तो अप्रिशिएट करना चाहिए, गलत को गलत बोले, अच्छे को अच्छा बोले, ऐसा तो कुछ नहीं है। उसके बाद आस्थिन का नाम का आया, आस्थिन का साफ बोला गया, अरमान को ही सिलेक्ट किया गया। घर के कॉमेडियन, जी हाँ, घर के कॉमेडियन पे किसका नाम हो सकता है, बहुत ही क्लियर है घर के कॉमेडियन है लवकेश कटारिया, क्योंकि लवकेश बहुत फनी भी है, सबको हंसाते हैं, मजेदार है, हसमुख है, अच्छा चुटकुले मारते हैं कभी कभी, लेकिन वही कुछ लोग ने टैग लेकर रखा है कि बदतमीज है, मुझे तो अभी तक वो बदतमीज नहीं लगा, बहुत ही प्यारा सा है, क्यूट सा है। तो यस, घर का कॉमेडियन जोकर जो है वो लवकेश बना। उसके बाद घर का साइडकिक, मेरे अकॉर्डिंग अगर पूछोगे तो घर का साइडकिक है साई केतन राव, लेकिन घर वाले के अकॉर्डिंग साइडकिक है नैजी, मतलब साई केतन का नाम किसी चीज पे ही नहीं आता, वो बेचारा अपने आप को दिखाएगा भी कैसे, उसका बना के ऐसा रखा है कि उसका कोई अपॉर्चुनिटी भी अभी नहीं है, वो अपने कुछ भी मतलब दिखाया नहीं, वो ऐसे ही टॉप पे चला गया। उसके बाद जो भी हो, चिड़चिड़े ताऊ, चिड़चिड़े ताऊ कौन हो सकता है, रणवीर, जी हाँ, रणवीर शोरे जो है चिड़चिड़े ताऊ बने थे और वो एकदम सही था, उसके साथ गया है, लेकिन रणवीर शोरे अगेन स्टिल द शो, बहुत ही अच्छा उम्दा एक्टिंग किया है, वो बहुत ही अच्छे एक्टर है, मतलब उसमें कुछ भी मैं क्वेश्चन नहीं कर सकती, मेरा उतना औकात ही नहीं है, मेरा उतना हैसियत नहीं है कि उसके एक्टिंग के ऊपर मैं क्वेश्चन करूं, ही इज अन वंडरफुल एक्टर, बहुत अच्छा एक्टर है, तो वही चीज अपने काम को बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया फिर से चिड़चिड़े ताऊ बनकर। लेकिन आपने देखा तो आपको कैसा लगा जरूर बताना, एंड ऐसे ही बहुत सारे अपडेट न्यूज के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। बाय।